सुनाई खींचो खींचो ना लोग नहीं बोले बाकी सब अरे एक साथ सर चुका दीजिए सब लोग साथ में चलो पीछे साथ में साथ साथ चलो प्रजा की सुनवाई शुरू की जाए हमारे जीवन यापन का और ये गोरे लोग जबरन हमारे जानवरों को ले के जा दो वक्त की रोटी बड़े नसीब से मिलती है महाराज फिर ये भारी भरकम लगान हम कैसे चुका पाएंगे न्याय दीजिए पता भी है कि असंभव है अगर राजकोष का धन हम छोड़ने के लिए क्या बचेगा महाराज प्रजा के वजह से ही तो है तो राजकोष में सबसे पहला आदि का प्रजा का क्यों नहीं महाराज देखिए कुछ मसले ऐसे होते हैं जो आपको एज अ राजा एक राजा की तरह जब आपको निर्णय लेना होता है तो वो इतना आसान नहीं होता है कुछ निर्णय दिखने पर मुश्किल लगते हैं बट देखा जाए तो वो प्रजा की भलाई के लिए ही लिए जाते हैं और बस यही हो रहा है और कुछ निर्णय जो सरफेस पे ऊपरी तरीके से अच्छे लगते हैं वो शायद अंदर मैन्यूपुलेट किए जाते हैं एक वो भी पॉइंट है उसका तो वैसा भी हो रहा है इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ द थिंग्स तो उसमें आपको साथ में धीरे धीरे मणिकर्णिका का और गंगाधर का जो इक्वेशन है वो कैसे साथ में मिलके एडवर्सिटीज़ को अपने फेवर में करते हैं तो ये वो उस बारे में सीन है ओके एक बात की जाए अंग्रेज़ों को जो आपने कर वसूलने के लिए कहा था वो उन पर कई जुल्म करते हुए नजर आ रहे हैं अंग्रेज़ों को मैंने क्या कहा था कर वसूलने के लिए कर वसूलने के लिए मैंने हाँ उनके लिए कर वसूलने के लिए जो कहा था उसके बाद क्या हुआ वो उन पर कई जुल्म करते हुए नजर आ रहे हैं उनकी भेड़ बकरियाँ ले जा रहे हैं कर वसूलने के लिए कहा था उन पर वो जुल्म कर रहे हैं मुझे समझ ही नहीं आया पूछ के रहे हो जो काम आपने अंग्रेज़ों को दिया था जी अंग्रेज उसका एक गलत फ़ायदा उठा रहे जी तो वही उसी के बारे में प्रजा बात करने आई है आपसे जी तो वही पूछ रहे तो अभी तो जब मैंने जो सुनवाई की है प्रजा की उसमें मुझे कहीं ना कहीं पता लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें जो दिख रही हैं वो उस हिसाब से जो बोली गई हैं वो उस हिसाब से नहीं हो रही हैं तो अभी वो प्रोसेस है और आगे कैसे गंगाधर डिस्कवर करता है रियलिटी ऑफ ब्रिटिशर्स और गंगा और मणिकर्णिका कैसे बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल होती हैं गंगाधर को ये सच्चाई दिखाने में वो आँखों के सामने जो पर्दा है उसको हटाने में और अलॉन्ग साइड उनका रिश्ता कैसे मजबूत होता है कैसे दोस्ती से प्यार से ये क्या मोड़ लेता है वो सब आपको देखने को मिलेगा आगे मंडे टू फ्राइडे ओनली ऑन कलर्स एट 9:30 PM एट झांसी की रानी उसके बारे में बताइए क्या हो गया जो राजा का दरवाजा खटखटाना पड़ा जी तो जो एनिमल्स होते हैं उनके पास जो गांव वालों के पास जो एनिमल्स होते हैं जैसे बकरी होती है गाय होती है तो वो जिन्हें पालते हैं उनके ऊपर टैक्स फिरंगियों ने लगाया है 100% टैक्स तो क्योंकि वो गरीब है तो वो टैक्स नहीं पे कर सकते इतना एंड इसलिए बहुत बड़ा प्रेशर आ गया है गाँव वालों के ऊपर और वो आते हैं एनिमल्स को लेकर क्योंकि फिरंगियों ने बोला है कि अगर आप टैक्स नहीं पे करोगे तो हम एनिमल्स को ले लेंगे तो वो इसलिए महाराज के पास आते हैं बोलने के लिए कि हम टैक्स भी पे नहीं कर सकते एनिमल्स को भी नहीं दे सकते बिकॉज
उनके वजह से ही उनका जो रोजी रोटी होती है वो पूरा हो पाता है। तो इसलिए ये सीन है जहाँ वो राजा के पास आते हैं पूछने के लिए कि वो टैक्स कैसे भरेंगे, एंड राजा कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि उन्हें बुरा भी लग रहा है पर वो समझ भी नहीं पा रहे कि कैसे करेंगे, क्या करना है, और वो सोच रहे हैं कि क्या जवाब देंगे। और मैं बोलती हूँ कि राजकोष से भी दे सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं, जो हमारे पास जो टैक्स होता है राजकोष में। तो वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, राजकोष तो बहुत जो दूसरी चीज़ों के लिए होता है। फिर मैं बोलती हूँ कि प्रजा से हम राजकोष के लिए पैसे लेते हैं, तो इसलिए ये सीन चल रहा है। ओके, इससे कुछ राजा कहीं ना कहीं थोड़े से बढ़के हुए नजर आए आपसे एकांत में बात करने की बात कर रहे थे, जी उन्हें कभी अच्छा नहीं लगता है, मतलब जब भी उनके निर्णय में कोई और हस्तक्षेप करे, तो इसलिए वो देखते हैं कि उनके लिए ऑब्वियसली सब लोग आए थे उनसे जवाब मांगने के लिए, और वो नहीं दे पाते तो मैं दे देती हूँ, तो उन्हें हमेशा बुरा लग जाता है कि नहीं। वो दरबार में मेरा पहला दिन होता है वैसे, और पहले दिन ही मैं ऐसे चीज़ें बोलने लगती हूँ जो थोड़ा मतलब जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा सोच विचार करना पड़ता है, तो इसलिए ये थोड़ा से गुस्सा हो जाता है। अच्छा, पहले दिन में एक ऐसा एक उतार चढ़ाव नज़र आया, आगे किस तरह की केमिस्ट्री नज़र आने वाली है? हाँ वही, अभी क्योंकि उन्होंने मुझे झांसी से निर्वासित कर दिया था, उससे पहले हम ठीक थे, उससे पहले बॉन्ड बहुत अच्छा था, बट फिर निर्वासित कर दिया था, उसके बाद से मैं जब वापस आई हूँ तब से हम दोनों में जो थोड़ा टशन जैसा हो गया है कि वो भी नहीं चाहते, मैं भी नहीं चाहती, कि क्योंकि उन्होंने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया था, उनको भी लगता है कि मेरे शब्द बहुत अपमानजनक होते हैं, और ये सब सीन है। तो अब बॉन्ड बहुत टशन वाला है फिलहाल, तो आगे जाकर पता नहीं।